नमस्कार, डीएसडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। बिहार विधान पार्षद संजय प्रसाद जो हैं वो लगातार सोनो प्रखंड के अनेक क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं और दौरों के साथ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां की जो जनता है, जो बेस सहारा है, जिनको जरूरत किस चीज की है, उनका क्या हालचाल है। लगातार वो अपने जरिए, अपने समर्थकों के जरिए जनसंपर्क जो अभियान है वो कर रहे हैं। आज भी वो सोनो प्रखंड के अलग अलग हिस्सों पर गए। वहां संजय प्रसाद ने एक जनसंपर्क अभियान चलाया, एक जन समूह को उन्होंने संबोधित किया है। क्या कुछ कह रहे हैं संजय प्रसाद, ये हम आपको सुनाते हैं। किया है, हम उसको बताने के लिए आए कि हर घर में एनडीए का कोई ऐसा जो भी कार्य हुआ है, किसी ऐसा घर नहीं जो उससे वंचित है। हमने गैस चूल्हा देने का काम किया, जिनके घर में चूल्हा लकड़ी और पुआल से खाना बनता था, लगातार हर घर को गैस चूल्हा से दिया जा रहा है। उसके अलावे किसान को हर एक साल में 6,000 रुपया जो भारत सरकार और के द्वारा दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको साफ निश्चय 2010 से 15 में उन्होंने किया था, साफ निश्चय पर आप बताइए, हर घर में नल जल का काम हो रहा है, गली नली बन रहा है, हर घर में बिजली का कनेक्शन हो रहा है, हर गांव पर बिजली पहुंचाने का काम हो रहा है, नौजवानों को 2 साल तक भत्ता मिल रहा है, हमारे जो होनहार छात्र हैं, गरीब हैं, पढ़ाई उनके पिता माता करने से असमर्थ है, उनको चार हम लोगों ने 30 लाख मजदूर को लाकर उसको रखने का काम किया, खाना खिलाया और जाने वक्त 1,000 रुपया और उसको किट भी दिया। उसमें तौलिया था, साबुन था, ब्रश था, जीपी था, प्रूफ था, अब दरी था, मच्छरदानी था, हम लोग देकर उनको विदा करने का काम किया। ये काम किसी राज्य ने नहीं किया, जो माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी ने किया और 9,000 करोड़ रुपया उस पर खर्च हुआ। लगातार निरंतर एक तरफ आप कोरोना से जूझ रहे हैं, एक तरफ बाढ़ से हम लोग जूझ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो भी बाढ़ के परिवार को 6,000 रुपया एक दिन में ट्रांसफर हो गया, 6,000 कुछ करोड़ रुपया एक दिन में चला गया, क्या यह व्यवस्था था क्या? आज हर गरीबों के खाते में जो जनधन योजना खुला था, आज जनधन योजना खाता जब खुलता था उस पर मजाक उड़ाया जाता, यदि आज नहीं खुला रहता तो हमें महिलाओं को 2 बार 5,500 रुपया भेजने का काम किया, क्या कैसे आता, किस खाता पर आता? इसलिए खाता हर आदमी को चाहिए, जिसके पास खाता होगा और माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का सपना है कि जो भी हमारे बिहार के लोग हैं 2022 में प्रधानमंत्री आवास के योजना के तहत कोई भी घर ऐसा नहीं बचेगा जिसको घर नहीं होगा। उसके अलावे 10 साल पहले जो 15 साल पहले इंदिरा आवास पहले कहलाता था, जो बन गया था, उसमें भी आपको बता देना चाहते हैं उसका घर टूट गया, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार सरकार ने अपना निधि कोष बनाकर उसको मरम्मती करने के लिए 1,20,000 रुपया दिया जा रहा है। हर क्षेत्र में काम हो रहा है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसका काम नहीं हो रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया, जब लोकसभा चुनाव में हम जाते थे कहता था लोग वृद्धा पेंशन नहीं है, हमको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, आज हम घूम रहे थे एक आदमी मिला अभी तक हमको इस पंचायत में कि हमको विधवा पेंशन नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री वृद्धाजन योजन पेंशन योजना बनाकर उन्होंने अप्रैल से 400 रुपया दिया जा रहा है और जो भी अभी हमारे उसमें क्या हुआ कि जिस तरह का कोई भी जाति का भेदभाव नहीं है, जो भी 60 साल से ऊपर है आप जाकर ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, निरंतर यह काम चलता रहेगा, उसमें कोई जाति बंधन नहीं है कि हमको मिलेगा उसको नहीं मिलेगा, जो भी आप स्वेच्छा से लेना चाहते हैं। बनाए हैं तो 18 को ग्रुप चला रहे हैं, हम सीएम हैं। हाँ तो आप बनाइए ना। बनाए हैं ये लोग, मिलने के लिए आई है, कुछ बोलने के लिए क्या बोलिए, हाँ बोला सुनो, बोला तो नहीं आपको कुछ नहीं मिला। रोजगार जीविका दीदी के ही से माध्यम से हम लोग को जीविका बना रहे हैं, उसमें स्वरोजगार क्या क्या करवाते हैं बताइए। जीविका अभी जितना मास देखे सरकार बांटा सब जीविका दीदी बनाई है।
है कि नहीं? वही रोजगार खोजती है, कोई रोजगार मिलेगा हम लोग करने के लिए, बिजनेस कुछ करना हमको खोजते हैं। बिजनेस का भी है हमारा सब गरीब इंदिरा आवास वगैरह को नहीं बना के खट के दिए लेकिन इलेगल तक भी ट्रांसफर के फोन नंबर है, फोन नंबर है, सूची में नाम है, फोन नंबर है सर, उन्हें इधर छोड़ देता है ऑफिस में, हम तो सब गरीब की सूची से हटा दिया जाता है सर, नाम तो है ही है अधिकतर लोगों को, वीडियो पास आप महिला वीडियो आई है ठीक है ना, वीडियो कौन हो चले जाइएगा, मेरा नाम लेगा एमएलसी साहब भेजे, जो समस्या सब सुनाइएगा, इंदिरा राशन कार्ड है बोले ना, राशन कार्ड अभी नहीं बनेगा, आपके ससुर का राशन कार्ड होगा तो आपको नहीं बनेगा, इसलिए कि आपका हस्बैंड का नाम नसीम है, 2021 में जब हम लोग अलग होंगे जनगणना होगा, 2021 में जब जनगणना होगा ना मार्च के बाद, जनगणना में इस मार्च के बाद जब जनवरी दिसंबर खत्म होगा 4-5 महीने के बाद तो जनगणना शुरू होगा, जनगणना में आप लोग अपना अपना पारिवारिक सूची अलग बना लीजिएगा, समझ गए ना, ससुर का 4 बेटा चारों अलग बनाएगा, तब सूची जब गृह संख्या उसमें पड़ेगा तब राशन कार्ड भी बनेगा, इंदिरा आवास भी मिलेगा, सब उसी के अनुसार मिलता है, जिसके पास कार्ड नहीं होगा पीएसएस कार्ड उसको तो नहीं मिलेगा इंदिरा आवास, नहीं कैसे मिलेगा उसको मिलिए रहा रोज देखिए, हम वीडियो बोल रहे हैं ठीक है ना, वीडियो बोल रहे हैं जिनको सब परेशानी मुखिया कार्ड दिया सुनिए पहले सुनिए आप लोग। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं, बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लेंथ और अटूट इंटरनल लॉक्स, आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।